नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जिस चीन के भरोसे पाकिस्तान ने अंडरवियर के बने मास्क तक मुंह पर चिपकाने में परहेज नहीं किया, उसी चीन ने अब कोरोना वायरस टेस्टिंग के नाम पर पाकिस्तान को चूना लगा दिया। बीते हफ्ते चीन से मंगाई गई टेस्टिंग किट में प्रेगनेस्टिंग टेस्टिंग किट भेज दी। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के जाहिल डॉक्टर उन्हीं किट से कोरोना टेस्ट करते रहे। इस सारे मामले का खुलासा तब हुआ जब अल्लाह दित्ता नाम के एक व्यक्ति की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इसके बाद पाकिस्तान में बुरी तरह अड़कंप मच गया। जांच की गई तो पता चला कि चीन ने पाकिस्तान को अच्छी तरीके से चूना लगाया है। कोरोना टेस्टिंग किटों में आधे से ज्यादा प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट भेजी गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि 4 से 5 रुपए की आने वाली किट को 135 रुपए के दाम पर पाकिस्तान को बेचा गया है। अब विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि यह चीन की चालबाजी है या इमरान एंड कंपनी ही कोई कारस्तानी कर रही है। इससे पहले अप्रैल महीने में चीन ने N95 मास्क पाकिस्तान को भेजे थे, जिन्हें लाहौर से बिना जांच किए ही पूरे पाकिस्तान में विभिन्न अस्पतालों को भेजा गया था। लेकिन जब उन बोरों को खोला गया तो उनमें N95 मास्क की जगह अंडरवियर के बने मास्क निकले थे, जबकि चीन ने सफाई दी थी कि उसने N95 मास्क ही भेजे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस की आड़ में इमरान खान खुद तो पैसा नहीं बना रहे हैं। दरअसल चीन के पास गिरवी पड़ा पाकिस्तान सोच रहा था कि चीन के भरोसे वह कोरोना वायरस से जंग जीत लेगा, मगर चालाक चीन ने उसके साथ ही सौदेबाजी शुरू कर दी। चीन से मदद मिलने की उम्मीद में इमरान और उसके मंत्री उसका गुणगान करते रहे, पर चीन से पाकिस्तान को एक धेला तक नहीं मिल पाया। पाकिस्तान को जो पीपीई किट, टेस्टिंग किट और मास्क भेजे गए वे घटिया क्वालिटी के ही निकले। ऊपर से उसने पाकिस्तान से इनके महंगे दाम भी वसूल किए। केवल इतना ही नहीं, चीन को वैक्सीन का लालच देकर उस पर वैक्सीनेशन की शर्त भी ठोक दी। यानी चीन अपनी वैक्सीन का परीक्षण पाकिस्तानी मुल्लाओं पर ही करेगा, जिसमें कितने बचेंगे और कितने 72 करोड़ों के पास जाएंगे इसका पता कभी नहीं चल पाएगा। आज पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो चुका है। उसकी जनता कोरोना वायरस और भूखमरी से दम तोड़ रही है। लोग अपने भूखे बिलखते बच्चों को लेकर सड़कों पर निकल आए हैं। हालत यह है कि कोई भी देश पाकिस्तान की मदद करने को आगे नहीं आया है। जिस चीन के भरोसे पाकिस्तान हवा में उड़ने की कोशिश में था, वह पाकिस्तान की लाचारी का फायदा उठाकर सौदेबाजी कर रहा है। बड़ी बात यह है कि चीन ने ना कोई नगद मदद भेजी और ना ही मुफ्त में कोई माल दिया, उल्टे वह उसको महंगे दामों में माल बेच रहा है। पिछले महीने ही राष्ट्रपति आरिफ अलवी और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन को सजदा करने पहुंचे थे, जिन्हें चीन ने उनको खाली हाथ वापस भेज दिया। पर पाकिस्तान की मुसीबत यहीं तक नहीं है, उसके सिर पर एक और बड़ी मुश्किल मुंहबाए खड़ी है। पाकिस्तान को अगले 3 महीनों में $11.30 अरब का कर्ज चुकाना है, जिसमें $8 अरब उन विद्युत उत्पादन इकाइयों का है जिनसे सरकार बिजली खरीदती है, जबकि $3.30 अरब चीन की देनदारी बनती है। पर दिक्कत यह है कि उसके खजाने में मात्र $3 अरब ही बचे हैं। उसके पास इतना पैसा भी बाकी नहीं है कि 15 दिन का आयात तक कर सके। अगर विदेशी कर्ज नहीं मिल सका तो उसके लिए सरकारी खर्च तक चलाना मुश्किल हो जाएगा। खास बात यह है कि चीन ने अपने $3.30 करोड़ की म्याद बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि पाकिस्तान को तय वक्त पर ही कर्ज लौटाना होगा। चीन के इस अप्रत्यक्ष व्यवहार से इमरान सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। पाकिस्तान में आज सुबह तक संक्रमितों की संख्या 20,084 हो गई है, जबकि 457 टोपीबाजों का हुरों की खोज निकाला हो चुका है। यह संख्या तब है जबकि पिछले 2 महीने में पाकिस्तान 2,30,025 लोगों की जांच कर पाया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का 10वां टोपीबाज कोरोना संक्रमित है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि देश को अपनी जंग अपने भरोसे ही लड़नी है, कोई भी देश उनकी मदद नहीं करने वाला है। उन्हें नहीं पता है कि COVID-19 की दवा कब तक उपलब्ध हो जाएगी। ऐसी सूरत में लोगों को आने वाले 6 महीने अथवा 1 साल तक कोरोना वायरस के साथ जीना पड़ सकता है। दरअसल पाकिस्तान को समझ में आने लगा है कि अब उसे चीन से अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिल रहा है। चीन व्यापारी मुल्क है, पाकिस्तान उसके लिए तभी तक अहम है जब तक उससे आर्थिक और रणनीतिक फायदा मिलता रहेगा। यह पहली बार है जब पाकिस्तान पर सबसे मुश्किल वक्त आया है, पर चालाक चीन ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है।
चीन से 4 डॉक्टर की एक टीम जरूर पाकिस्तान आई थी, पर वह भी दूसरे दिन ही पाकिस्तान से चीन वापस भाग गए। शायद इसलिए इमरान लोंडा अपनी जनता को अपने तहमंद खुद लहराने की सलाह दे रहा है। पर इमरान को यह सलाह कौन देगा कि जो चीन, तिब्बत और हांगकांग में अपनी ही नस्ल का नहीं हो पाया, उसकी शान में मदरसा पैदा इसके गधिया नृत्य का क्या तुक है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।